Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. फिलिप्पुस उस समय मुड़कर गया और नथैनियल को एक वृक्ष के नीचे बैठा पाया और तब वो उसे यीशु के पास लेकर आया। Jesus said, "Behold, an Israelite in whom there's no guile." यीशु ने उससे कहा, देखो इस इज़राइली मनुष्य में कोई बुराई नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। He said, "Rabbi, when did you ever know me?" और उसने यीशु से पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू उस वृक्ष के तले बैठा था, मैंने तुझे देखा। He said, "Rabbi, thou art the Son of God. You're the King of Israel." और उसने कहा, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। He knew that was wild. It didn't need any interpretation. Jehovah said that. उसे पता चल गया कि ऐसा ही है। इसमें किसी अनुवाद की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही पवित्र शास्त्र में कहा था। There stood those there who didn't believe it. वहां पर वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। They said, "This man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something." उन्होंने कहा कि ये मनुष्य दुष्ट आत्माओं का सरदार बिलजबब है और इसके पास कोई ऐसी चाल है जो ये आगे की बातें बता देता है वगैरह वगैरह। Jesus looked at him and said, "While you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you." यीशु ने उन लोगों की ओर देखकर कहा, तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में ये सब कह रहे हो और ये पाप तो क्षमा कर दिया जाएगा। But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा और यही सब कहेगा, यही सब करेगा, तो उसके विरुद्ध कुछ भी मत कहना। ना तो इस दुनिया में उसके विरुद्ध किया गया पाप क्षमा किया जाएगा और ना ही उस दुनिया में जो आने वाली है। He was prophesying of our day, the day that we should see. यीशु हमारे दिनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और ये कह रहा है और ये वह दिन है जो हमें देखने हैं। For he is the same yesterday, today and forever. क्योंकि वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. याद रखिए कि मूसा के रूप में भी वह यीशु मसीह था। It was Jesus Christ that was in David. दाऊद के रूप में भी जो था वह यीशु मसीह था। David the son of David went up on the mountain a rejected king and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. जब दाऊद उस पहाड़ के ऊपर गया और लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने की बात से दुखी होकर रोया, तब उसके अंदर कोई अन्य नहीं वरन यीशु मसीह था। For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. क्योंकि लगभग 800 वर्षों के बाद दाऊद की संतान यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चढ़ा और नीचे यरूशलेम को देखकर रो पड़ा। He said, "Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen with her brood, but you would not." उसने कहा, हे यरूशलम, हे यरूशलम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है, मैं भी तुझे छुपा लूं, परंतु तूने न चाहा। When Joseph was in prison, that was Jesus. जब यूसुफ कैदखाने में था तो वो भी यीशु ही था। When he was sold for pretty near 30 pieces of silver, that was Jesus. जब उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया तो वो यीशु ही था। When he was made Potiphar's man, that was Jesus. जब उसे पोती पर नामक जल्लाद के यहाँ पहुंचाया गया तो वो यीशु ही था। When he sat the right hand of Pharaoh and when he left, everybody, the trumpet sound and everybody had to bow knee, that was Jesus. जब वो फिरौन के दाएं हाथ बैठाया गया और जब वो उठकर कहीं जाता था तो तुरी फूंकी जाती थी और हर एक घुटना उसके आगे झुकता था, वो यीशु ही था। No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus. यूसुफ के द्वारा ही कोई फिरौन से मिल सकता था, यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। It was Jesus. Hallelujah. The word prophesied being fulfilled. Yes. Spoken shadows and types. वचन जिसके द्वारा प्रतिछायाओं और प्रतीकों में भविष्यवाणी करी गई थी, उस वचन की परिपूर्णता का प्रतीक यीशु वहां अब स्वयं खड़ा था, क्योंकि वही तो वचन है। Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did. जब यीशु धरती पर आया तो उसने वही सब किया जो पिछले भविष्यवक्ताओं ने किया था। That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted. यही कारण था कि उन लोगों को पता चल गया कि यीशु ही परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है और इसके लिए किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। When Nathanael saw this, he fell down and said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel." जब नथैनियल ने देखा तो उसके सामने गिर कर कहा, तू इसराइल का महान राजा और परमेश्वर का पुत्र है। We know you. No man could do this. हम जान गए हैं कि कोई अन्य मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees.
निकोदेमस जो रात को यीशु के पास आया था उसने भी फरीसियों के प्रतिनिधि के रूप में यही सब कहा था. But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. किंतु आप देखिए कि अपनी धार्मिक परिषद के रीति रिवाजों से वे लोग इस प्रकार बंधे थे कि वे यीशु को ग्रहण नहीं कर पाए. He expressed what they said, said, Rabbi, we, who's we? Their council. निकोदेमस ने फरीसियों के विचार प्रकट करते हुए कहा था कि रब्बी हम, ये हम कौन है? अरे उनकी परिषद. We know that thou art a teacher come from God, cause no man could do these things unless God be with him. हम जानते हैं कि तू एक उत्तम गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इस प्रकार के काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो. They recognized it, they knew it was, but they were so hooked into it. उन्होंने उसका अनुमोदन किया था, वो जान गए थे कि ये वही वचन है, लेकिन वे लोग अपने सिद्धांतों के बंधनों से बंधे थे. God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. और परमेश्वर ने पिछले 40 वर्षों में पवित्र आत्मा के 32 बपतिस्मों के द्वारा इस पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है. And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in a glare of another day. लेकिन लोग इस दान की परिधि से आज भी बाहर खड़े हैं, क्योंकि वो अपने रीति रिवाजों से बंधे किसी पुराने समय के प्रकाश की चमक में जी रहे हैं. What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare. ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हर कोई मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरियन या ऐसा ही कुछ बनना चाहता है. देखिए कि ये यही तो अंधा बनाने वाला चमकीला प्रकाश है. They were living in the glare of Moses' day. वे लोग मूसा के समय के प्रकाश के प्रतिबिंब में रह रहे थे. What did he say? He said, they said, we're Moses' disciples. उन्होंने क्या कहा था? यही कि हम मूसा के शिष्य हैं. He said, if you'd know Moses, you'd know me. Moses wrote on me. यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जान जाते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में ही तो लिखा था. If you know Luther, you know this age. यदि आपने लूथर को जाना है तो आप इस पीढ़ी को भी जान जाओगे. If you know Methodist, you know this age. यदि आपने मेथोडिस्ट को जाना है तो आप इस समय को भी जान लोगे. For Christ wrote of this age. The words is being fulfilled has to be fulfilled in this age. क्योंकि मसीह ने इस पीढ़ी के लिए लिखा है और जो वचन आज पूरा हो रहा है उसे इसी पीढ़ी में पूरा होना जरूरी है. It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting. इसके लिए किसी को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का अनुवाद स्वयं करता है. God interprets himself. Because he's the only one that can interpret it. परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद करता है, क्योंकि एक वही है जो अपना अनुवाद कर सकता है. God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation. परमेश्वर की वाचाएं उसे एकदम सत्य प्रकट करती हैं, और जो कुछ वो कहता है यही उसका अनुवाद है. Now, Jesus to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. अब समय बचाने के उद्देश्य से संत यूहन्ना 14:12 में यीशु ने कहा, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. वह जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा. Did he say it? That's right. क्या उसने ऐसा कहा था? हाँ, ये सत्य है. I don't need any interpreting. When somebody does that work, that's God. Certainly. इसमें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है. जब कोई वैसे ही काम करता है तो ये परमेश्वर ही है जो निश्चय ही उसमें होकर ये कार्य करता है. He also said in that, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. उसने पवित्र शास्त्र में ये भी कहा है कि जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा. Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. That needs no interpreting. यीशु ने ऐसा कहा था. क्या नहीं कहा था? वास्तव में उसने ऐसा कहा था, और इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है. They say, well, that means it meant just exactly what he said, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ठीक वही है जो उसने कहा था कि जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा. What about the days of Lot? Let's go back just for a moment, find out what they were doing. लूत के दिनों में कैसा हुआ था? आइए पीछे जाकर कुछ क्षणों के लिए देखें कि उस समय क्या हो रहा था. There were three classes of people in the days of Lot: believer, make believer and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. लूत के दिनों में जैसा कि प्रत्येक सभा में और भीड़ में होता आया है, तीन प्रकार के लोग थे, अर्थात विश्वासी, अल्पविश्वासी और अविश्वासी. We find out that the Sodomites was the unbeliever. हम पाते हैं कि सदोमी लोग अविश्वासी थे. Lot was a make believer. Abraham was a believer. लूत ढोंगी विश्वासी और इब्राहिम विश्वासी था.
He was the one the covenant was confirmed to. इब्राहिम ही भविष्यवासी था जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. वही था जो प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके प्रति आशावान था. Amen. Right. I'm not amen myself. Amen means so be it. And that's right. आमीन. मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो, परंतु आमीन शब्द का अर्थ ही यह है कि ऐसा ही हो, और ये सच है. Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. इब्राहिम उस समय सदोम में नहीं था, वरन वो सदोम से बाहर ऊंचे स्थान पर था, और वह आज की इस आत्मिक कलीसिया की प्रतिछाया व प्रतीक था जो इस समय गिरजों से बाहर खड़ी है. Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. और लूत आज के नामधारी गिरजों के रूप में सदोम में था. What's the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily? देखिए कि पवित्र शास्त्र कहता है कि सदोम के पापों से लूत की धर्मी आत्मा नित्य पसीज उठती थी. Why didn't he have nerve enough to stand out against it? लेकिन क्यों उसमें साहस ना था कि उसके विरुद्ध बोलता. There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things. आज भी बहुत से भले पुरुष गिरजों में बैठे महिलाओं को अल्पसंग वस्त्र पहने और पुरुषों को गलत कार्य करते देख रहे हैं. And their members go and playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. अनेक सदस्य प्रार्थना सभाओं में जाने के बजाय रविवार को पिकनिक पार्टियों में जाना या गोल्फ खेलना पसंद करते हैं. Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. बुधवार को गिरजे जाने के बजाय शाम को लोग दूरदर्शन देखना आदि को प्राथमिकता देते हैं. They feel like saying something about it, but the board would turn them out. लूसरी के लोग चाहते हैं कि इन बातों के विरोध में कुछ कहें, लेकिन बोर्ड उन्हें गिरजों से बाहर निकाल देगा. What's the matter? It's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin. क्या कारण है? ये फिर से लूत का समय है जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर का पाप देख रहा है और पाप को पाप कहने से डर रहा है. Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church. इब्राहिम उनके साथ नहीं था, वरन बाहर था और आज के आत्मिक गिरजे का प्रतीक था. Watch what happened just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. अब देखिए कि अन्य जातियों वाले उस सदोम नगर में आग व गंधक की वर्षा होने से पहले क्या हुआ था. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt. आज की इस अन्य जातियों की दुनिया के आग से नष्ट होने और इस सांसारिक साम्राज्य के जलाए जाने की वह एक पूर्व छाया थी. Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग से आग गिराई जाएगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और सदोम की घटना इसकी प्रतिछाया थी. Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. अब हम देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं, वरन सदोम से बाहर था, और लूत तब तक सदोम ही में था. Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw three men coming. Ordinary man. Walking down the road, the path. गर्मियों की एक सुबह लगभग 11 बजे का समय रहा होगा जब इब्राहिम ने तीन असाधारण से दिखने वाले मनुष्यों को मार्ग से अपनी ओर आते देखा था. Abraham was sitting under the oak, resting himself. वह उस समय बांज वृक्ष के तले बैठा आराम कर रहा था. He'd been out probably at the herds that morning, come in almost noon time, and he saw three men coming. शायद उस सुबह वो अपने पशुओं को चराने निकला था और अब लगभग दोपहर के समय वहां बैठकर सुस्ता रहा था जब उसने आश्चर्यजनक रूप से उन तीन मनुष्यों को अपनी ओर आते देखा. And there was something about those men that rung a bell. उन तीन मनुष्यों में कोई ऐसी असाधारण बात जरूर थी कि उन्हें देखते ही कानों में किसी संकेत की घंटी सी बज उठी. हे प्रभु. Oh man, there's always something about God, when he comes among the people, it rings the bell. परमेश्वर के बारे में असाधारण रीति से यही होता है कि जब वह मनुष्यों के मध्य में आता है तो एक घंटी सी बज उठती है. They know it. There's something tells them there's a vindication there. लोग पहचान जाते हैं और ऐसा कुछ होता है जो लोगों को ये सब बताता है और परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है. Abraham ran quickly and said, "My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread. Then you can go on your road." इब्राहिम शीघ्रता से उठकर उनके पास आया और उनसे बोला
मेरे प्रभु मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ कि उससे तृप्त होकर आप तब मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। So he turned aside. He ran into the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. तब वो पशुओं के झुंड में गया और एक बछड़ा लेकर उसे मारकर अपने नौकर को दिया कि उसे फुर्ती से पकाए। Went into the tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some or some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. फिर वो तंबू के भीतर गया और सारा से कहा कि फुर्ती से मैदा गूंद कर चूल्हे पर फुलके पका। Brought him out and served. फिर वो उस भोजन को लेकर आया और उन्हें खाने को दिया। While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. जब वे भोजन कर रहे थे और इब्राहिम वहाँ खड़ा था तो देखा गया कि वह मनुष्य सदोम की ओर देख रहा था। And he said two of them, you remember, went down in Sodom. Two went to Sodom. आपको याद होगा कि दो मनुष्य दूत सदोम की ओर चले गए थे। Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. कृपया इस बात को नजरअंदाज न करें, मैं यहाँ यीशु मसीह के कथन का उल्लेख कर रहा हूँ। Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. उनमें से दो जन सदोम को चले गए ताकि लूत को वहाँ से बाहर ला सकें और बाकी सभी को नष्ट कर सकें। And them two went down there, went down and preached. उन दो जनों ने वहाँ जाकर प्रचार किया। And there was one stayed back with Abraham, watched the sign he done. उनमें से एक इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसने जो चिन्ह दिखाया उस पर ध्यान दें। They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind. नीचे सदोम में भी एक चिन्ह दिखाया गया और सदोमियों को अंधा कर दिया गया। Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. वचन का प्रचार सर्वदा अविश्वासियों को अंधा बना देता है। And notice what done. और ध्यान दें कि उससे क्या हुआ। Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. और अब देखिए कि एक जन इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसके सम्मुख एक चिन्ह दिखाया। Now, did you ever notice any historian? Follow the scriptures, follow the history. क्या आप इतिहासकारों ने या धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वालों ने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है? There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. चर्च के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब कोई ऐसा व्यक्ति नामधारी गिरजों में प्रचार करने गया हो। There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Right. जिसका नाम अब्राहम की तरह हाम से H-A-M से समाप्त होता हो, लेकिन आज उनके पास ऐसा मनुष्य है, ये सत्य है। Going down there, calling him out. Right. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. Billy Graham. वहां जाकर उन्हें बाहर लाने का उपदेश देकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। God's servant out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. ये परमेश्वर का दास है जो नामधारी गिरजों, राजनीतिज्ञों आदि के मध्य आज प्रचारक के रूप में खड़ा उनके नष्ट होने का संदेश दे रहा है। The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. उस दिन लोगों ने जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहा, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। परमेश्वर इस बात के लिए उन्हें आशीष दे। Well, that whiskey company said he never got the first base as it would have been. क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वो उन शराब बनाने वाली कंपनियों को कुछ ना कह पाएंगे, वो उन्हें आने ही नहीं देंगे। They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. उन सिगरेट निर्माताओं आदि के लिए उन्हें आने ना देने के इस अभियान में करोड़ों डॉलर खर्च करना मामूली बात होती, क्योंकि वैसे भी बिली ग्राहम उनको बंद करने के लिए प्रचार में लगे हैं। See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly. देखिए कि परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में वे इन सदोमियों के मध्य भेजे गए हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Another man. कि एक मनुष्य वहाँ ऊपर इब्राहिम के पास था। Not them two went down there like a modern evangelist went down there to preach. लेकिन वो उन दो आधुनिक उपदेशकों की भांति नहीं था जो वहाँ वचन प्रचार करने भेजे गए थे। Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham. ध्यान दीजिए कि दो जन सदोम में प्रचार हेतु भेजे गए जबकि एक ऊपर इब्राहिम के पास ठहरा रहा। And the one who stayed with Abraham, give him a sign. और वो जो इब्राहिम के पास ठहरा रहा उसने एक चिन्ह दिखाया। Now watch, his name had been Abram and his wife had been Sarah. अब ध्यान दीजिए कि उसका नाम अब्राम और उसकी पत्नी का नाम सारा था। Just a day or two before that, God had appeared to him
and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. एक या दो दिन पहले परमेश्वर उसके पास आया था और उससे कहा था कि मैं तेरा नाम बदलकर अब्राम से इब्राहिम कर रहा हूँ। See, G-R-A-H-A-M is six letters, man. देखिए कि ग्राहम में G-R-A-H-A-M में छह वर्ण हैं और छह की संख्या मनुष्य को जाहिर करती है। But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters. Yeah. H-A-M. Ending with the H-A-M. किंतु इब्राहिम यानि ए बी आर ए एच ए एम में सात वर्ण हैं और अंत में एच ए एम हाम लगा है। Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. अब उस आत्मिक कलीसिया के प्रतीक इब्राहिम से उसने कहा। He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah? इब्राहिम, अब्राम नहीं कहा। तेरी पत्नी सारा, सारा नहीं कहा। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? Watch what he said. She's in the tent behind you. देखिए कि इब्राहिम ने क्या कहा? वो तेरे पीछे तंबू में है। And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. और उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊँगा। See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. ध्यान दीजिए कि उसने सर्वनाम मैं का प्रयोग किया। और ये ठीक परमेश्वर के वाचानुसार था। That was God. वो खुदा था जो बोल रहा था। He said, I'm going to visit you. और उसने कहा मैं तेरे पास फिर आऊंगा। And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. और सारा अपने मन में हंसती। हम समझ सकते हैं कि वो क्यों हंसती। She said, me an old woman, 100 years old, my Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. उसने हृदय में सोचा मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति इब्राहिम भी 100 वर्ष का बूढ़ा है और हमारी जवानी और 100 वर्ष पूर्व बीत चुकी है। Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. उसने सोचा कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं तथा वैवाहिक जीवन के आनंद से वंचित हैं। Said, we couldn't have that. Said, these things couldn't be. उसने सोचा कि हमें पुत्र कैसे प्राप्त होगा, ये बात संभव नहीं है। And the man, God, in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt seeing these things in the tent behind him? और परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में देहधारी था, उसने कहा, सारा पीछे तंबू में मेरी बात पर संदेह करके क्यों हंसी और क्यों संदेहवश ऐसी बातें उसने सोची? Now watch it. That is the same ministry that Jesus Christ had. अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या इसी प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह ने नहीं करी? He looked out upon the audience and perceived their thought. यीशु मसीह ने उस भीड़ की ओर देखकर उनके हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया था। He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel. उसने पतरस को बता दिया था कि वे कौन है और उसके माता पिता का नाम क्या है। उसने नथैनियल को भी सब कुछ बता दिया था। Told the woman at the well when she said, he said, go get me a drink or bring me a drink. उसने कुएं पर उस स्त्री से बात करते हुए पूछा था मुझे जल पीने को दे और तब उसके बारे में सभी कुछ बता दिया था। She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another. उस स्त्री ने उत्तर दिया कि श्रीमान आप लोग यहूदी हैं और सामरी लोगों से किसी प्रकार का व्यवहार रखने की प्रथा नहीं है। She said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. यीशु ने उत्तर दिया अगर तू जानती कि तू किसके साथ बातचीत कर रही है तो तू मुझसे पीने को पानी मांगती। The conversation went on. He said, go get your husband and come here. बातचीत चलती रही और यीशु ने उससे कहा जा जाकर अपने पति को बुला ला। She said, I have no husband. स्त्री ने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। He said, you've said well, for you've had five. यीशु ने कहा तू ठीक कहती है, तूने 5 पति किए थे। She said, sir. स्त्री ने उत्तर दिया जी हाँ श्रीमान। Look at the difference between that and the priest of that day, that council, living in a glare of another day. उस स्त्री और उस समय के शास्त्रियों और उनकी धार्मिक परिषद के विचारों के अंतर पर ध्यान दीजिए जो कि किसी विगत समय के प्रकाशीय भ्रम में रह रहे थे। They said this is the devil. They had to answer their congregation to something because it required that. उन्होंने कहा था कि ये शैतान की सहायता से ऐसा करता है और शैतान है क्योंकि उन्हें अपनी सभा को कुछ ना कुछ तो समझाना ही था। But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart? लेकिन इस बेचारी स्त्री ने जिसके हृदय में पहले से चुने जाने वाला छोटा सा अंकुर छिपा था, इसने क्या किया? She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. वो अपनी उस व्यभिचारिणी वाली स्थिति से हताश और निराश हो चुकी थी। But when she seen that, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet." लेकिन जब उसने यीशु को गुप्त बातें बताते देखा, तो
तो उसने कहा, श्रीमान मैं सोचती हूँ कि तू भविष्य वक्ता है। We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. विगत 400 वर्षों में हमारे मध्य कोई नबी नहीं आया है, और हमें बताया गया है कि जब मसीह आएगा तो ऐसा ही करेगा। Oh my, that seed laying there jumped to life. Hallelujah. Why? It didn't need no interpreting. Oh, प्रभु, वह बीज जो उसके हृदय में छिपा था तुरंत जीवंत होकर यीशु को पहचान गया। क्यों? इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting. यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ, और इसमें अनुवाद की क्या जरूरत है? He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. The more record exactly what God had promised. उसने आश्चर्यकर्म दिखाया और इस बात का प्रमाण दे दिया कि वही मसीहा है। आमीन। और ठीक वायदा किए हुए परमेश्वर के वचनानुसार ही सारे काम किए। Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses. मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा। What was it? A vindication of the scripture. क्या हो रहा था? वचन जीवंत प्रकट हो रहा था। She ran into the city and said, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?" वो स्त्री नगर को दौड़ गई और लोगों से कहा कि आओ देखो, एक मनुष्य है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कुछ मैंने किया है, क्या ये वही मसीह तो नहीं? Isn't this him? He told me what I've done. क्या ये कहीं वही तो नहीं है, क्योंकि इसने बता दिया है कि मैंने क्या क्या किया है। Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. अब ध्यान दीजिए कि वहां ऊपर उस मनुष्य ने भी यीशु ही था। उस मनुष्य में यीशु था जिसने अपनी पीठ के पीछे तंबू के अंदर जो कुछ सारा के हृदय में वो सोच रही थी वो सब कुछ बता दिया था। The word of God says in Hebrews the fourth chapter that he says this. इब्रानियों की पुस्तक के चौथे अध्याय में वचन में लिखा है कि The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the center of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart. परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज धार वाला है और चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word. And he was the word for that age. ये वचन है, और जब भी कोई भविष्यद्वक्ता आया वो वचन साथ लेकर आया, और वह उस समय या पीढ़ी के लिए वचन बना। What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. और उसने क्या किया? एक भविष्यद्वक्ता के रूप में लोगों के हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया। He done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word. यीशु मसीह के रूप में यही हुआ, क्योंकि वह तो वचन की परिपूर्णता था। And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. और यीशु ने कहा कि जैसा सदोम के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings. परमेश्वर का आत्मा फिर से इस धरती पर एक देहधारी मनुष्य के रूप में आएगा। God manifested in human flesh. Hallelujah. Yes. Amen. Do you see it? परमेश्वर देहधारी मनुष्य के रूप में प्रकट होगा। आमीन। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? And we'll do the same thing that God did in human flesh at Sodom. और वो वही सब करेगा जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के शरीर में उपस्थित होकर सदोम में किया था। Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. याद रखिए कि वो एक वायदा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसके ठीक बाद प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र का आना हुआ। That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? इससे पहले कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, सदोम और इब्राहिम के लोगों के लिए वो अंतिम चिन्ह था जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? And now the church spiritual has come to that hour. और अब ये आत्मिक कलीसिया उसी प्रकार के समय में आ पहुंची है। Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? किसी ने पूछा था, भाई ब्रनम, क्या आप ये कहते हैं कि इब्राहिम के पास मनुष्य रूप में खुदा खुदाया था? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. पवित्र शास्त्र बताता है कि वो परमेश्वर था, और इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. वह एलोहिम है, और इब्राहिम ने उसे इसी नाम से पुकारा था। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। Elohim, the all-sufficient one. एलोहिम का अर्थ है एक वह जो सब कुछ कर सकने में समर्थ है, सब प्रकार से परिपूर्ण है। He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. वो प्रथम और आखिर है, वो प्रारंभ और अंत है, वो एलोहिम है।
Abraham called him Elohim. इब्राहिम ने उसे एलोहिम कहकर पुकारा था. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Elohim शब्द इब्रानी भाषा का है और इसका अर्थ है परमेश्वर अर्थात जो आदि से है परमेश्वर एलोहिम. He was Elohim manifested in human flesh wearing human clothes eating human's food. Amen. वो एलोहिम मनुष्य की देह में प्रकट हुआ मनुष्यों के वस्त्र पहने और उसने मनुष्यों के लिए बना भोजन खाया. आमीन. A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh. Hallelujah. Amen. ये एक चिन्ह था कि अंत के दिनों में परमेश्वर फिर अपने लोगों में मनुष्य के शरीर के रूप में प्रकट होगा. आमीन. Jesus said the works that I do shall you do also. यीशु ने कहा था कि जो काम मैं करता हूं वही तुम भी करोगे. As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. और जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा. आमीन. Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it means. इसके लिए अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है. इसमें आवश्यकता है वचन के जीवंत प्रकट होने की. Amen. Do you believe that? Hallelujah. Let's bow our heads. आमीन. क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं. Our heavenly Father, we give to you that promise tonight that you said these things. You promised them. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपकी इन बातों को तथा वाचाओं को जो आपने हमें दी हैं, आपके सामने रख रहे हैं. There's no one can make your word live but you. आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो आपके वचन को जीवन बना सके. You said, "Let there be light," and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. आपने कहा था कि उजियारा हो जा और उजियारा हो गया था. इसमें किसी को अनुवाद करने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि जो कहा गया था वैसा ही प्रकट हो गया. As we quoted Isaiah, the prophet, a virgin shall conceive. She did. जैसा कि हमने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा वचन देखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वैसा ही हुआ. Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened. इसमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुंवारी गर्भवती हुई और वैसा ही हुआ. You said when he came to be born in Bethlehem. आपने कहा था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा. Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel? But out of thee shall come the ruler of my people. हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा. The things that he was do, what he would cry at the cross, how he be condemned, pierced his feet, his hands. आपने ये भी बताया था कि वो क्या-क्या काम करेगा. सलीब से पुकार के वो क्या कहेगा, किस प्रकार उस पर दोष लगाया जाकर उसे दंड मिलेगा और उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed. हमारे पापों के लिए उसे घात किया गया, हमारी दुष्टता के लिए उसे सताया गया, हमारी शांति के लिए उसे दंड मृत्यु दंड दिया गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है. How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption. किस प्रकार से दाऊद ने कहा था कि मैं उसके प्राण को अधोलोक में ना छोड़ूंगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने दूंगा. And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up. और तीसरे दिन इससे पहले कि 72 घंटे बीतने पर उसका शरीर सड़ने लगता, परमेश्वर का वचन क्या उठा, वो जी उठेगा. They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word. लोगों ने कहा कि कोई उसकी देह चुरा कर ले गया और इस बात पर लोग आज तक विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं. He was manifested. Jesus Christ raised up and he said, "Alo, I am with you always, even to the end of the world." वचन साक्षात होकर जी उठा था और जी उठने पर यीशु मसीह ने कहा, "लो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ." We believe that you're here tonight. हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात यहाँ हैं. We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात भी उसी यीशु मसीह की सामर्थ में हैं जो पहले यहाँ धरती पर आया था. And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. आप आज उन आँखों, बाजुओं, टांगों, मुंह, प्राणों और देहों को ढूंढ रहे हैं जिनके माध्यम से आप स्वयं को प्रकट कर सकें. God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. परमेश्वर हमें पवित्र कीजिए कि हम अपने मध्य जीवते यीशु मसीह को साक्षात देख सकें. Let him come. प्रभु यीशु आइए. Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, "Sir, we would see Jesus."
तब वैसा ही होगा जैसा उन यूनानी मनुष्यों में यीशु को देखने की भूख थी और उन्होंने कहा था, श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. और उन्होंने उसे देखा। आह, कितना रोमांच हुआ होगा जब उन्होंने यीशु को देखा होगा। God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you. प्रभु परमेश्वर, आज भी आप वही हैं और आपका वादा है कि यदि हमारे अंदर आपकी भूख होगी तो हम आपको देख सकेंगे। A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, अविश्वासी कहते हैं, परंतु तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, परंतु तुम्हारे अंदर जगत के अंत तक वास करूंगा। We know that you're the same yesterday, today and forever. हम जानते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that he keeps his word. Amen. प्रभु, वचन में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसे आपकी महिमा के लिए पूरा होने दीजिए ताकि ये कहा जा सके कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। आमीन। God bless you. I'm going to call the prayer line. प्रभु आपको आशीष देवे। अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बिली ने 1 से 100 नंबर तक के प्रार्थना पत्र जारी किए हैं या कुछ इसी तरह प्रबंध किया है, वह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। प्रार्थना कार्ड का क्या नंबर है? आप में से कोई देखकर बताएं, या तो वो कोई संख्या होगी या फिर ABC से शुरू होगी। What is it? A, all right. कृपया बताएं कि क्या है? A है? अच्छा, ठीक है। Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. आइए हम ये से शुरू करते हैं। कृपया 1, 2, 3, 4, 5 कार्डधारी व्यक्ति उठ जाएं। A number 1, number 2, number 3, number 4. A number 1, number 2, number 3, number 4 आ गए हैं। 4, I didn't see stand up. Prayer card number 4. नंबर 4 को मैंने आते नहीं देखा है। प्रार्थना कार्ड नंबर 4 आगे आइए। 1, 2, 3. Maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card. He can't stand up. 1, 2, 3. हो सकता है ये लोग खड़े होने की स्थिति में ना हो। यदि ऐसा है तो कृपया आप अपने पास के व्यक्ति का प्रार्थना पत्र देखें, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास प्रार्थना कार्ड हो लेकिन वो खड़ा होने की स्थिति में ना हो। Quickly now, there it is. 4, 5. Prayer card number 5. शीघ्रता कीजिए। 4 नंबर आ गए। नंबर 5 आ गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आइए। Just start coming up here now as your numbers are called. जैसे ही आपकी संख्या पुकारी जाती है, कृपया आगे आते जाइए। Number 1, 2, 3, just come right out this way. नंबर 1, 2, 3 वाले व्यक्ति कृपया इस ओर आ जाएं। Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. प्रार्थना पत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले लोग कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. संख्या वाले लोग नियत स्थानों पर आते जाएं, जो उठकर नहीं आ सकते हैं वो। Does anybody can't? I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here. मैं एक नवयुवक को पीछे व्हीलचेयर में बैठा देख रहा हूँ। बेटे, जब तुम्हारा नंबर पुकारा जाए और तुम आगे ना आ पाओ तो सिर्फ अपने हाथ उठा देना, मैं तुम्हें आगे लाने का प्रबंध कर लूंगा। How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? I see your hands. Anywhere. देखिए, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और बीमार हैं। आप हाथ उठाइए कि हम जान सकें। That's right. Put your hands up. ठीक है, आप लोग अपने हाथ उठाइए। Do you believe while they're getting them together? Do you believe this? That he's the same yesterday and forever. क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं जबकि प्रार्थना के लिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? How many watch these ministers? Doesn't the scripture say today, brethren, that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? कितने लोग विश्वास करते हैं? इन सेवकों को देखिए,
भाइयों, क्या वचन में ये नहीं लिखा है कि प्रधान महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों अवगुणों सहित छू सकते हैं? क्या ये सत्य है? How many believes that? Raise your hand. कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं? मेहरबानी से अपने हाथ उठाइए. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. वो महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों सहित छूकर चंगाई पा सकते हैं. Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, how many believes that? तब अगर पवित्र शास्त्र बताता है कि वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, तो कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? Then how would he act today? तब आज वो किस प्रकार के काम करेगा? He'd have to act like he did yesterday. Is that right? वो वैसे ही अद्भुत कार्य करेगा जो उसने कल किए थे. क्या ये बात सत्य है? Where's he at tonight? Sitting on the right hand of the Majesty, his body, the Holy Spirit is here in the building to make him known. आज रात वो कहाँ बैठा है? वो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वध किए मेमने के रूप में बैठा है, और उसका पवित्र आत्मा यहाँ इस भवन में उसकी पहचान कराने के लिए उपस्थित है.